Hey friends, welcome back to my channel Sense Friend. तो आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा ब्लड प्रेशर मॉनिटर मशीन का। इसका ब्रांड है MedTech। तो इसको मैंने ऑर्डर किया है Amazon से। तो इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये है MedTech का BP मॉनिटर मशीन। मॉडल नंबर है BP11 विद बैक लाइट। तो इस बॉक्स में ये सारी चीज़ें निकली हैं। बैग जिसके अंदर बीपी मशीन है और बाकी ये कार्ड्स। ये यूज़र मैनुअल और वारंटी कार्ड है। MedTech के बाकी प्रोडक्ट्स इनको आप परचेज कर सकते हैं। स्कैनर दिया हुआ है कि आप अमेजोन ऐप पे आप प्रोडक्ट का रिव्यू दे सकते हैं। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो इसका रिव्यू करने के लिए डायरेक्ट यहाँ स्कैन करके आप रिव्यू पेज पर पहुँच जाओगे। तो काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की लग रही है देखने में। पैकिंग बहुत ही अच्छी है इसकी। तो इस बैग में 4 पेंसिल सेल्स, पेंसिल बैटरीज, एक USB केबल जिससे आप चार्ज कर सकते हैं इसको या यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से, एक कफ और ये BP मॉनिटर मशीन। तो इसका मॉडल नेम एंड नंबर है NovaCheck PP11। तो काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी BP मशीन है, BP मॉनिटर मशीन है ये, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी। तो ये है इसका कफ और साथ में ये एयर ट्यूब। इसको आप मशीन में इंसर्ट कर देंगे यूज़ करते टाइम। यहाँ पे इसे इंसर्ट करके उसके बाद यूज़ करेंगे आप इसको। कफ भी इसकी काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की है। इसके साथ में मिलता है ये USB केबल, सी टाइप, बिल्कुल लेटेस्ट है ये। सी टाइप USB केबल लगा सकते हैं आप। तो विदाउट बैटरी भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बैटरी यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू इसको यूज़ कर सकते हैं। केबल की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। नॉर्मल जो तार होती है वैसी नहीं है, अच्छे डिज़ाइन में बनाई हुई है। इसकी लेंथ भी अच्छी है काफ़ी, और साथ में 4 बैटरीज भी हैं। अगर आप इसे ऑपरेट करना चाहते हैं इस मशीन को तो आप बैटरी से यूज़ कर सकते हैं। 4 बैटरीज लगेंगी इस साइज़ की। तो MedTech के ये प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप दूसरे प्रोडक्ट भी परचेज़ करना चाहते हैं तो परचेज़ कर सकते हैं MedTech से। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि आप कैसे यूज़ कर सकते हैं कफ को अपने हाथ में लगा के। इस तरीके से हाथ में आपने कफ पहन लिया, उसके बाद हाथ को इस तरीके से सीधा रख लिया और जो ट्यूब होगी वो नीचे की साइड जाएगी इस तरीके से। उसके बाद आप ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर सकते हैं एक्यूरेट तरीके से। तो कुछ फीचर्स भी हैं इसमें, हम देख लेते हैं। जैसे कि इसमें आपको बैकलाइट दिख जाएगी अंदर। कई ब्लड प्रेशर मॉनिटर मशीन होते हैं जिसमें बैकलाइट नहीं होती है, तो इसमें बैकलाइट भी नज़र आ जाएगी कि आराम से आपको नज़र आ जाए कि कितना ब्लड प्रेशर मॉनिटर हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पे मेंशन है 20 ईयर्स ऑफ ट्रस्ट। और कुछ फीचर्स हैं जैसे कि लार्ज LED डिस्प्ले, कफ साइज 22 to 42 सेंटीमीटर, फ्री USB केबल सी टाइप, जिप बैग भी मिलेगा इसको रखने के लिए। तो काफ़ी अच्छा जिप बैग है जैसे कि आपने ऑलरेडी देख लिया है। काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का बैग है ये, और आपको 2 साल की वारंटी मिलती है जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो इसमें आपको एक ब्लड प्रेशर मॉनिटर मशीन मिल जाएगी, एक कफ मिल जाएगा, 4 AAA बैटरीज, एक जिप बैग इसको रखने के लिए, और ये MedTech का BP मॉनिटर मशीन, ब्लड प्रेशर मॉनिटर मशीन क्लिनिकली वैलिडेटेड है। तो अब मैं इसमें बैटरी लगा लेता हूँ। बैटरी से यूज़ करने के बाद हम विदाउट बैटरी भी यूज़ करके देखेंगे USB केबल से। तो अब मैं इसमें बैटरी इंसर्ट कर लेता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसमें बैकलाइट ऑन है, तो इससे ये होगा काफ़ी क्लैरिटी होगी। जो भी नंबर्स आएंगे ना तो उसमें आपको क्लैरिटी बहुत अच्छी होगी, चाहे कमरे में लाइट डिम हो या ज़्यादा हो, नंबर सारे क्लियर दिखेंगे इसमें जो भी नंबर्स आएंगे इसमें। तो इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले जो कफ में एयर ट्यूब आपको दिख रही है ये, इसको यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। ये इंसर्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपको सारे नंबर्स ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहे होंगे, ये सारी चीज़ें शो होंगी इसमें जो भी नंबर्स आएंगे। अभी ब्लैंक दिख रहा है, इस तरीके से आपको सारा कुछ दिख रहा होगा। यहाँ पे पल्स रेट, हार्ट रेट, यहाँ पे नंबर्स दिखेंगे, बैटरी इंडिकेटर, ब्लूटूथ भी है इसमें और बैटरी इंडिकेटर भी है इसमें। तो इस तरीके से लगाने के बाद कफ को हाथ में पहन के स्टार्ट पे प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो SYS का मतलब हो गया यहाँ पे सिस्टोलिक, और ये DIA का मतलब हो गया डायस्टोलिक। तो ये MEM है मेमोरी। जो भी प्रीवियस इसमें आपने किसी का भी ब्लड प्रेशर मॉनिटर किया होगा इसे प्रेस करके आप प्रीवियसली देख सकते हैं इस तरीके से, लेकिन अभी नहीं दिखेगा, नो लिखा हुआ है बिकॉज किसी का अभी तक हुआ नहीं है। ये सेटिंग्स हैं, सेटिंग्स कर सकते हैं आप, डेट टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें। इसमें आपको बैक लाइट डिस्प्ले मिल जाएगी, लार्ज हाई डेफिनेशन LCD डिजिटल डिस्प्ले दिख जाएगा इसमें आपको, जैसे कि आपने देख लिया। कैरी बैग ऑलरेडी इंक्लूडेड है इसमें, और डुअल मेमोरी है 90x2 ग्रुप्स, डबल यूजर्स, तो 2 बंदों का इसमें आपको शो करेगा, और 90 मेमोरीज इसमें आप स्टोर कर सकते हैं, प्रीवियस मेमोरी आप देख सकते हैं इसमें। और विद USB-C पोर्ट है, सी टाइप चार्जर है इसमें। इसमें आपको इरेगुलर हार्ट बीट इंडिकेटर दिख जाएगा, आर्म मूविंग इंडिकेटर है इसमें, WHO इंडिकेटर भी है, फुल्ली ऑटोमेटिक इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन है, बैटरी इंडिकेटर भी दिख जाएगी इसमें आपको, डेट एंड टाइम दिख जाएगा इसमें आपको, और इसमें ऑटोमेटिक पावर ऑफ है
90 सेकंड्स में। अगर आप 90 सेकंड्स तक इसको यूज़ नहीं करते हैं ऑटोमेटिक पावर ऑफ हो जाए। बैटरी सेविंग अच्छी है इसमें और लाइट वेट है काफ़ी, और डुअल स्केल है इसमें, KPA एंड MMHG रीडिंग है, और सबसे सही चीज़ है क्लिनिकली वैलिडेटेड है ये। तो इसको अगर आपको परचेज़ करना है तो इसका बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जाके लिंक पर क्लिक करके आप खरीद सकते हैं। तो इसको अभी मैं एक बैटरी निकाल के इसको डायरेक्ट USB के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी से यूज़ करके देखते हैं, और इसके बाद मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा ब्लड प्रेशर मॉनिटर कैसे कर सकते हैं। तो इसकी बैटरी निकालने के लिए इसको हम ओपन करके बैटरीज इसकी निकाल लेंगे सारी। उसके बाद यहाँ पे आपको सी टाइप पोर्ट नज़र आ जाएगा, तो इसमें इसको इंसर्ट कर देंगे और इसको आप डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से यूज़ करेंगे विदाउट बैटरीज। बैटरीज आप देख सकते हैं बाहर है। तो USB केबल के दूसरे पोर्ट को किसी भी ऐसे प्लग से कनेक्ट करके हम उसके बाद सॉकेट से कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे इस तरीके से। उसके बाद स्विच ऑन कर देंगे हम, तो आप देख सकते हैं ये ऑन हो चुकी है मशीन। तो विदाउट बैटरी भी आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको बैटरीज इसके साथ मिलती है मशीन के, इसको यूज़ करने के बाद आप आराम से इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी से यूज़ कर सकते हैं केबल के थ्रू। सबसे बेस्ट पार्ट इसमें ये है। तो अभी के लिए इसमें मैं बैटरी ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो आपको ये सिंबल दिख रहा है SYS MMHG KPA, ये है सिस्टोलिक प्रेशर आइकन एंड यूनिट डेट, और ये जो आपको लाइंस दिख रही हैं वर्टिकल लाइंस, ये है WHO क्लासिफिकेशन बार, और यहाँ पे जो आपको आइकन दिख रहा है हाथ बना हुआ है जो, ये है आर्म मूविंग आइकन, उसके साथ में आपको B जो साइन दिख रहा है ये ब्लूटूथ आइकन, यहाँ पे है बैटरी इंडिकेटर, और ये DIA MMHG KPA है, ये है डायस्टोलिक प्रेशर आइकन एंड यूनिट, और यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये है डेट एंड टाइम, एक पेज और पेन दिख रहा है आपको, तो ये है मेमोरी आइकन एंड इंडेक्स, और ये है बैटरी इंडिकेटर, जैसे कि लो बैटरी लो होती है तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर साइन दिखना शुरू हो जाएगा। ये साइन है जो आपको दिख रहा है, ये है यूज़र साइन 1 और 2, और यहाँ पे जो साइन दिख रहा है आपको ये इधर ECG की तरह, ये है इररेगुलर हार्ट बीट इंडिकेटर, यहाँ पे आपको हार्ट बीट आइकन दिख रहा होगा हार्ट शेप में, और ये है हार्ट बीट रेट यूनिट PUL पर मिनट, पल्स रेट पर मिनट। तो अभी यहाँ पे हम टाइम सेट कर रहे हैं। तो अभी हम प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से इस MedTech के BP मॉनिटर मशीन को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कफ को लेके हैंड में इस तरीके से पहना देंगे, और ये आपको हमेशा देखना है कि आपको ट्यूब दिख रही है नीचे साइड ही होनी चाहिए, नीचे के साइड, ऊपर की साइड नहीं होनी चाहिए, नीचे के साइड होनी चाहिए। इस तरीके से हम इसको रैप कर देंगे अच्छी तरह। अब इसको हम स्टार्ट कर देंगे इस पर प्रेस करके, तो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो ये नंबर्स आए हैं। तो ये था ओवरऑल रिव्यू MedTech के NovaCheck BP11 BP मॉनिटर मशीन। तो इसका बेस्ट बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, अगर आपको खरीदना है डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे क्लिक करके खरीद सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दें, और साथ ही साथ फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकॉन हिट कर दें फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कॉमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उनके आंसर कर दूंगा। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।